बड़ों को नमस्ते, छोटों को हाय। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने YouTube चैनल पे। मैं हूँ आप लोग की होस्ट स्नो पर। तो दोस्तों, अपना हालचाल कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मौसम कुछ ऐसा है, हल्के हल्के से बादल है और बारिश नहीं होने की वजह से काफी सूखा पड़ चुका है। तो दोस्तों, मौसम खराब हो चुका है। खराब क्या, बादल तो सुबह से थे लेकिन बारिश होगी नहीं होगी इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रही थी कि सूखा पड़ चुका है यहाँ पर, बारिश नहीं हो रही है कई दिनों से। तो अभी हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हुई, लेकिन धूप भी है, बारिश भी हो रही है। बारिश हो जाती तो काफ़ी अच्छा होता, बट देखते हैं बारिश होगी कि नहीं होगी। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, यहाँ पर आडू पककर तैयार हो चुके हैं। तो पक ही गए हैं, यहाँ देखिए। तो हम ऐसे रफली साफ कर लेते हैं, क्योंकि स्प्रे तो होता है नहीं इनमें कोई। चुल्ली पक रहे हैं, आडू पककर तैयार हो रहे हैं, और अभी कुछ एक आध पलम की वैरायटीज है जो तैयार नहीं हुई है। एक आध निकाल देती हूँ खाने के लिए, फिर चलती हूँ, क्योंकि हम यहाँ नीचे बगीचे में जा रहे हैं, मैं लेट हो जाऊंगी। और आप यहाँ देख सकते हैं आलू, तो सूखे की वजह से आलू के कुछ ऐसे हाले, देखिए बिल्कुल सूख चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोदा है, और सूखे की वजह से कोदे की हाल भी कुछ ऐसे ही है। ये देखिए सूखे की मार, इतने बड़े बड़े पौधे अपने आप मर रहे हैं सूखे की वजह से। तो हम यहाँ बगीचे आए हैं, इस बार जो न्यू वैरायटी के जो कुछ पौधे लगाए थे वो भी सूख रहे हैं धीरे धीरे, तो हम उनमें पानी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे सिंचाई का कोई साधन नहीं है, जैसे नहर का पानी हो गया, तो हमें पाइप के थ्रू पानी यहाँ पर लाना पड़ता है इस तरह से। या कनेक्शन लेना पड़ता है खेत के लिए। देखिए पौधा जिंदा था और सूखे की वजह से, ओहो ये भी जा रहा है, इतने बड़े बड़े पौधे जा रहे हैं। और सूखे की वजह से आप ड्रॉपिंग देख सकते हैं यहाँ पर। और ये देख सकते हैं आप ओले की मार,
आप देख ही सकते हैं बारिश नहीं होने की वजह से कितना कुछ नुकसान हो रहा है हम किसानों को। पीछे से आपको कुछ आवाज़ आ रही होनी बजाने की। तो आज जो हमारे कुलदेवी जी हैं उनको भी मंदिर में उठाया गया है। और एप्रिकॉट पककर हो चुके हैं तैयार। अभी पकना स्टार्ट हो रहे हैं, पूरी तरह पके नहीं अभी। और नीचे भी काफ़ी सारे गिर चुके हैं तो इसको भी उठाना पड़ेगा कल आकर। फिलहाल तो जो यहाँ पर पौधे मर रहे हैं और जो बचे कुचे पौधे उनको पानी देते हैं। आपको मैं कुछ और भी दिखाती हूँ। सूखे की वजह से ये देखिए एप्रिकॉट का साइज बिल्कुल छोटा। और हरे बड़े पेड़ भी सूख ही रहे हैं, ये देखिए ना छोटा। और शाम होते होते आप मौसम देख सकते हैं, बिल्कुल साफ हो चुका है। सुबह लगा था कि आज तो बारिश हो ही जाएगी, लेकिन ये हर दिन का ऐसे ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं अभी भी पानी लगा रही हूँ और अब अंधेरा होने वाला है थोड़ी ही देर में। घर पहुँचते तो अंधेरा हो ही जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग का मैं एंड यहीं पे कर देती हूँ। पौधों में अच्छे से पानी डाल देती हूँ क्योंकि घर पहुँचते वैसे ही अंधेरा हो जाएगा और घर जाके तो वैसे भी खाना बनाना बिजी हो जाते हैं। तो आज का व्लॉग बस मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हे चिक्शे।